हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल देखो तुम्हारा 23rd ऑफ फरवरी है, तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तुम में से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दी ICSE इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम MOV। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चंस रहता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें से हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स का क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि यही सारा एक्सट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा। एक्सट्रैक्ट में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी पहले भी काफी बार बोला है कि यहाँ पर एक्ट 5 से चांसेस है कि एक यहाँ पर एक्सट्रैक्ट तुम्हें टोटल 2 मिलेगा, तो एक्ट 5 से चांसेस है कि एक मिल सकता है और बाकी यहाँ पर तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट एक्ट 3 से मिल सकता है या फिर एक्ट 4 का कोई भी सीन से मिल सकता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंबाइन कर कुछ कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने पिकअप किया है तुम्हारे लिए कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स और उसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करने वाले। देखो एक चीज याद रखो कि यहां पर अगर तुम 2-3 एक्सट्रैक्ट ऐसे अभी प्रैक्टिस में अगर यहां पर करवा देती हूं तो अगर इससे रिलेटेड यहां पर कोई भी पर्टिकुलर कोई दूसरा एक्सट्रैक्ट भी आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें यहां पर कॉमन मिल जाएगा और तुम यहां पर कॉमन नहीं भी मिलेगा तो तुम जबकि आंसर्स देखोगे तो तुम रिलेट कर सिंस दिस इज अ प्ले सो तुम रिलेट कर यहां पर आंसर्स खुद से फ्रेम करके लिख सकते हो। और देखो टाइम ज्यादा नहीं है तो हम लोग क्विकली स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखना कि यहां पर आंसर्स जो है ज्यादा इलैबोरेट कर मत लिखना। अगर तुम यहां पर कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया है वेर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, तो सपोज वो वेनिस में है या सपोज दैट सीन इज टेकिंग प्लेस इन बेलमोंट इन पोर्शियाज हाउस, सो इतना ही लिखना है। प्लीज डू नॉट राइट सो मच कि यहां पर तुम्हारा टाइम निकल जाए। तुम्हें यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली वही चीज को आंसर करना है और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको जरूर अंडरलाइन कर देना। अगर तुम यहां पर कीवर्ड्स को जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ICSE में अंडरलाइन करते हो तो डेफिनेटली काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन वेनिस सपोज, सो यहाँ पर जो तुम्हारा वेनिस है वेनिस यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। अगर तुम अंडरलाइन करते हो मेन कीवर्ड्स को तो डेफिनेटली टीचर्स को आसान होता है जबकि वो लोग चेक करते हैं, इट इज़ ईजी फॉर द टीचर टू चेक योर पेपर। वो लोग यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे कि हाईलाइट किया हुआ है वेनिस, तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते। सो इसलिए यहाँ पर टीचर्स को भी कन्वीनियंस होता है, इस वजह से यहाँ पर कीवर्ड्स हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए। देखो अगर तुम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो कि मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रखा है अगर तुम गो थ्रू करते हो तो तुम्हें काफी कुछ यहाँ पर आंसर्स भी पता लग जाएगा, मतलब कुछ माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में कॉमन मिलता है तुम्हें तो तुम लिख पाओगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट। देखो यहाँ पर तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है, रीड ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, मतलब तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन के लिए हेडिंग रहता है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट वन इज जेसिका, इन सच अ नाइट डिड थिस्बी, ये थिस्बी डाइडो वाला है यहाँ पर, वो लोग लोरेंजो एंड जेसिका दे आर सिटिंग इन द गार्डन ऑफ पोर्शिया, इन फ्रंट ऑफ द गार्डन ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया इज नॉट देयर। तुम्हें पता होगा सिटिंग क्या है, पोर्शिया यहाँ पर अभी आई नहीं है और यहाँ पर जो बसानियो है वो लोग भी अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, एंड यहाँ पर दे आर टेकिंग केयर ऑफ पोर्शियाज हाउस, दे आर सिटिंग इन द मूनलाइट और यहाँ पर वो लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को देखो, एक्सट्रैक्ट तुम रीड कर सकते हो अपने से। फर्स्ट वन है विच टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट, सो हियर द थीम ऑफ लव इज बीइंग डिस्कस्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तुम थोड़ा इलैबोरेट कर भी लिख सकते हो अच्छे तरीके से, दे आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग थिस्बी डाइडो पायरमस, इस पर्टिकुलर मतलब जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर वो लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज थिस्बी, ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली थिस्बी के साथ साथ डाइडो, तुम्हारा डाइडो क्रेसिडा ट्रॉयलस देन ये सारा जितना भी तुम्हारा माइथोलॉजिकल लवर्स है वो लोग ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से सबके बारे में जितने भी लवर्स हैं उन लोगों के बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पर देखो Who is Thisbe? Thisbe was a beautiful maiden of Babylonia who was in love with Pyramus. So who is the lover of Thisbe? Pyramus is the lover of Thisbe and I hope you know the story. इसमें basically क्या होता है, Thisbe and Dido they were lovers, they used to love each other but their parents were against their wedding. So what actually happened, एक दिन वो लोग decide करते हैं कि वो लोग जंगल में जाकर रात में meet करेंगे, तो यहाँ पर Thisbe जो होती है suppose ये जंगल है suppose, तो यहाँ पर Thisbe पहले पहुँच जाती है और वो वहाँ पर wait करती है अकेले
पायरमस का, पायरमस थोड़ा लेट हो जाता है तो वो यहाँ पर वेट करती है। उसी टाइम वहाँ पर क्या होता है, जंगल में एक लायन आ जाता है, सपोज दिस इज लायन, तो यहाँ पर जंगल में एक लायन आ जाता है और वो उसको देखकर डर जाती है। जो लायन रहता है उसका माउथ एकदम ब्लड स्टेन्ड रहता है, उसको देखकर वो डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है, यहाँ से वो भाग जाती है और वो किसी और जगह पर जंगल के अंदर ही कहीं चली जाती है। और वो यहाँ पर जबकि भागती है तो उसका एक क्लोक, CLOAK, दिस इज देयर इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर जो क्लोक होता है मतलब उसका कोई कपड़ा रहता है, आउटर गारमेंट, वो वहाँ पर छूट जाता है, उधर गिर जाता है। और वो जो लायन है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कोइंसिडेंटली वो जो लायन है उसका जितना भी वो ब्लड स्टेंट माउथ रहता है वो यहाँ पर कपड़े के अंदर पूरा अच्छे तरीके से लग जाता है। और फिर वहाँ पर जो लायन है वो भी चला जाता है। फिर बाद में वो पर्टिकुलर लोकेशन में, बाद में जब वो पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पर पायरमस आता है तो वो देखता है कि थिस्बी उधर नहीं है और उसका एक कपड़ा गिरा हुआ है, एक लोक गिरा हुआ है जो कि पूरा ब्लड स्टेंड है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर लायन ने यहाँ पर इसको मार डाला। और वो क्या करता है, लायन सब वो सोचता है कि लायन थिस्बी को खा चुका है, और वो क्या करता है, वो उसको देखकर वो एक तलवार निकालता है और वो खुद को भी वहाँ पर किल कर लेता है, वो मर जाता है। फिर यहाँ पर पायरमस को ढूंढते ढूंढते जबकि यहाँ पर थिस्बी आती है, वो देखती है कि वो यहाँ पर मर चुका है, तो फिर वही तलवार वो भी उठाती है और वो खुद को भी मार लेती है। ये बेसिकली स्टोरी रहता है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ फेथफुल लवर्स। यहाँ पर दिस इज अ सिंबल ऑफ फेथफुल लवर्स, यहाँ पर दोनों फेथफुल रहते हैं और एक के वजह से दूसरा भी यहाँ पर मर जाता है और फिर दूसरे को देखकर यहाँ पर फर्स्ट वाला भी मर जाता है। तो इस तरीके से दे बिकम अ सिंबल ऑफ फेथफुल लवर्स। सो दिस इज बेसिकली द स्टोरी, यू कैन मेक इट एंड राइट। सो थिस्बी वॉज अ ब्यूटिफुल मेडन ऑफ बेबीलोनिया हु वॉज इन लव विद पायरमस, हु ऑल्सो बिलोंग टू द सेम प्लेस। द वर्ड वट इज मेंट बाई फियरफुली overtrip the dew. So here the word fearfully overtrip the dew means that Thisbe came stepping over the dewy grass with fear. So this is basically when she came to meet Pyramus in the jungle. Next question, give briefly the story of Thisbe. So yahan par story of Thisbe tumhe batana hai. So Thisbe was a Babylonian maiden. She and her lover Pyramus were forbidden to meet by their parents. One day they arranged to meet in a forest. Thisbe saw a lion and fled, लिविंग हर क्लोक बिहाइंड। मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्टोरी समझा दिया है। पायरमस सॉ हर ब्लड स्टेन्ड क्लोक, थॉट Thisbe वॉज डेड एंड किल्ड हिमसेल्फ। लेटर वेन Thisbe रिटर्न शी सॉ हर लवर्स बॉडी एंड किल्ड हर सेल्फ टू, एंड बोथ बिकेम द सिंबल ऑफ फेथफुल लवर्स। आई होप यू आर गेटिंग। मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर हिंदी में अच्छे तरीके से समझा दिया है। एंड हेयर नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ Thisbe एंड पायरमस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तुम्हारा जो ट्रॉयलस है, ट्रॉयलस, क्रेसीडा, देन यहाँ पर तुम्हारा डाइडो, ये सारा यहाँ पर माइथोलॉजिकल लवर्स का स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितना भी यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स है उसके ऊपर डिस्कस करूँ डिस्क्रिप्शन, तो ये डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका स्टोरी क्या है कि डाइडो इज अ फीमेल एंड इसका लवर का नाम होता है एनियस, AENEAS, एनियस, स्पेलिंग याद रखना। तो यहाँ पर शी इज बेसिकली द क्वीन ऑफ कार्थेज और यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर बोथ आर लवर्स ऑफ ईच अदर, दे लव ईच अदर वेरी मच। और सडनली यहाँ पर क्या होता है, कुछ वजह से एनियस को यहाँ पर इटली जाना पड़ता है। इन हिज वोएज ही हैज़ टू गो टू इटली। तो वो क्या करता है, वो इसको डाइडो को छोड़कर, काफ़ी ये लोग काफ़ी समय से एक साथ थे, और फिर यहाँ पर ये एनियस रात में सीक्रेटली भाग जाता है इटली और ये डाइडो को इधर ही छोड़ देता है उसके पर्टिकुलर प्लेस में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से ये इसको धोखा दे देता है डाइडो को, और फिर उस वजह से क्या होता है, जो डाइडो है वो उसके याद में, क्योंकि ये इसको धोखा देकर भाग जाता है, तो वो इसके वेट में कि एक दिन वो वापस आएगा, मतलब शिप से वापस डाइडो से मिलने आएगा, वो क्या करती है, वो वहाँ पर सी शोर के अंदर, मतलब सी शोर के बाहर में आकर रोज़ एक विलो अपने हाथ में लेकर खड़ी रहती है। विलो क्या होता है, विलो देखो इट इज़ अ काइंड ऑफ सम ट्री। तो ये ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ होता होगा, तो वो एक बेसिकली सिंबल ऑफ डेजर्टेड लव होता है। विलो जो होता है, विलो इज़ अ सिंबल ऑफ डेजर्टेड लव, और वो अपने हाथ में उसको लेकर खड़ी रहती है और वेट करती है रोज़ वहाँ पर, रात के टाइम वो जाकर वहाँ पर वेट करती है कि एक दिन सी शोर के सामने वो वापस से अपना शिप लेकर डाइडो से मिलने के लिए आएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं आता और लास्ट में वो क्या करती है, खुद को मार लेती है। तो ये बेसिकली स्टोरी होता है। यहाँ पर शी वॉज अ फेथफुल लवर, लेकिन एनियस क्या करता है, उसको धोखा देकर वो रात में भाग जाता है, चला जाता है। तो ये बेसिकली होता है, एंड डाइडो इज़ हार्ट ब्रोकन। सो दिस इज़ बेसिकली
द स्टोरी और यहाँ पर विलो का, विलो बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ डेजर्टेड लव, मतलब जो बिछड़ा हुआ प्यार होता है उसको सिंबलाइज करता है विलो. तो यहाँ पर स्टोरी देख लो, हु इज डाइडो. डाइडो वॉज द क्वीन ऑफ कार्थेज एंड द फाउंडर ऑफ द सिटी. आफ्टर द ट्रोजन वॉर्स द शिप ऑफ एनियस अ ट्रोजन प्रिंस केम टू कार्थेज एंड वॉज entertained by Dido. She fell in love with him. Later he had to go to Italy. Aeneas cruelly deserted her and set sail secretly at night. Her anxious wait for Aeneas symbolized by her standing with a willow in hand. मतलब कि ये basically willow लेकर wait करती है कि एक दिन Aeneas आकर उससे मिलेगा. ये basically story है. Next one is question 5. What do the willow and the wild sea banks signify? So willow and the wild sea banks are the emblems of forsaken love. Queen Dido stood on the wild seashore carrying in her hand a willow, waving to her lover Aeneas in the ship, vainly appealing to him to return to her. मतलब वो ये सोचती है कि हाथ वेव कर वो विलो हाथ में लेकर खड़ी रहती है नियर द रिवर, और वो ये सोचती है कि Aeneas उधर आकर उससे मिलेगा. अगर वो उसको उसका हाथ अगर वेव करते हुए देखेगा कहीं पर भी होगा तो वो वापस आ जाएगा. तो ये बेसिकली सैड स्टोरी है. देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स बायो केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको. तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है. तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था. सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट. इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइज, यहाँ पर प्राइज मैंने ऑलरेडी मैंशन कर रखा है. द प्राइज ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी. यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो. अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है. तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो. अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स. और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली प्लीज़ नॉट वेस्ट योर मनी. और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स. और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है. तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है. तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में. तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो. एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था. तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट. तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल. और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली. यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला एक्सट्रैक्ट देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो. स्टेफानो एंड लोरेंजो, ये भी एक्ट 5 का है. इसमें क्या होता है, स्टेफानो कौन होता है, स्टेफानो एक नौकर होता है पोर्शिया का, ही इज़ वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ पोर्शिया. और वो और लोरेंजो के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, जबकि यहाँ पर रोमांटिक बातें होता रहता है लोरेंजो एंड जेसिका के बीच में, जबकि वो लोग मूनलाइट में बाहर पोर्शिया के गार्डन में बैठे रहते हैं. वो लोग यहाँ पर बात करते रहते हैं थिस्बी, पायरमस, डाइडो, इन लोगों के बारे में, ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में, और एक दूसरे से यहाँ पर बात करते हैं. तो बीच में कौन आता है, एक नौकर आता है जो कि उन लोगों को इंटरप्ट करता है, और नौकर एक मैसेज लेकर आता है. वो ये बोलता है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस कौन है, मास्टर का उल्टा होगा, मास्टर का फीमेल होता है मिस्ट्रेस. तो पोर्शिया उसकी जो मालिक है वो वापस आ रही है, ये न्यूज़ बेसिकली लेकर आता है. तो यहाँ पर देखो तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द सीन टेक प्लेस, इन फ्रंट ऑफ द गार्डन ऑफ पोर्शियाज हाउस इन बेलमोंट.
आई होप यू नो दिस. हु इज स्टेफानो? स्टेफानो इज अ सर्वेंट ऑफ पोर्शिया. नाम याद रखना, स्टेफानो कौन था याद रखना. वट मैसेज डज ही ब्रिंग? सो ही ब्रिंग्स द मैसेज दैट लेडी पोर्शिया विल अराइव एट बेलमोंट बिफोर द डे ब्रेक. मतलब उस टाइम रात का टाइम चलता है, तो वो रात में एक दो घंटे के अंदर वापस आ जाएगी. वो ये बेसिकली न्यूज लेकर आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेफानो, वट हैज़ हिज मिस्ट्रेस बीन डूइंग ड्यूरिंग हर एब्सेंस फ्रॉम होम. सो अकॉर्डिंग टू स्टेफानो, मतलब स्टेफानो के अकॉर्डिंग, स्टेफानो को देखो सच नहीं पता होता है. वो एक्चुअली में शी इज डिसगाइज्ड एज अ लॉयर एंड पोर्शिया गोज टू वेनिस इन ऑर्डर टू सेव हिज हस्बैंड्स फ्रेंड. मतलब बसानियो का फ्रेंड एंटोनियो का लाइफ सेव करने के लिए जाती है, और नेरिसा भी साथ में जाती है. नेरिसा बेसिकली क्लर्क बनकर जाती है. लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या बताया जाता है कि वो यहाँ पर मोनेस्ट्री गई है प्रे करने के लिए, क्योंकि उसका भी अभी न्यूली शी हैज़ बीन मैरिड. सो ये बेसिकली अपना वेडेड लाइफ के लिए प्रे करने जाती है. तो ये बेसिकली बताया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेफानो, ड्यूरिंग हर एब्सेंस फ्रॉम होम हिज मिस्ट्रेस वॉज विजिटिंग द रोड साइड श्राइन्स विथ होली क्रॉसेस. श्राइन्स मतलब यहाँ पर टेम्पल्स हो गया. शी नेल्ट एंड ऑफर्ड प्रेयर्स एट दीज होली प्लेसेस फॉर ब्लेसिंग्स इन हर वेडेड लाइफ. तो ये बेसिकली झूठ होता है, जो कि स्टेफानो को भी यही पता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इन रियलिटी व्हाट हैज़ शी बीन डूइंग ड्यूरिंग हर एब्सेंस. अब रियलिटी में पूछा है कि एक्चुअली वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है. हु एकम्पनीड द मिस्ट्रेस, मतलब साथ में कौन जाता है. नेरिसा जाती है. सो इन रियलिटी ड्यूरिंग हर एब्सेंस फ्रॉम होम शी वेंट टू वेनिस डिसगाइज्ड एज अ लॉयर. डॉक्टर ऑफ लॉ भी तुम लिख सकते हो. एंड सक्सेसफुली आर्ग्यूड फॉर एंटोनियो इन हिज बॉन्ड फॉर फ्यूचर केस एंड सेव्ड हिम फ्रॉम द ईवल डिजाइंस ऑफ शाइलॉक. नेरिसा एकम्पनीड हर मिस्ट्रेस एज अ लॉयर्स क्लर्क. तो ये बेसिकली आंसर है. तुम इतना ही लिखना, ज़्यादा इलेबोरेट कर मत लिखना, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. वट रोल डिड पोर्शियाज मेड प्ले इन द कंपनी ऑफ हर मिस्ट्रेस. तो पोर्शिया का क्या रोल होता है, पोर्शियाज मेड का क्या रोल रहता है, मतलब नेरिसा का. इन द कंपनी ऑफ हर मिस्ट्रेस हर मेड प्लेड द रोल ऑफ अ लॉयर्स क्लर्क. वंस द डीड डॉक्यूमेंट्स वॉज मेड पोर्शियाज मेड वेंट टू शाइलॉक्स हाउस फॉर हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट. किस बात के लिए वो जाती है शाइलॉक हाउस, किस सिग्नेचर के लिए. यहाँ पर बेसिकली जो लॉरेंजो एंड जेसिका है, उन लोगों को शाइलॉक का डेथ के बाद जितना भी उसका प्रॉपर्टी है, जितना भी वेल्थ है, वो शाइलॉक और लॉरेंजो के नाम हो जाएगा. तो वही पर्टिकुलर डीड रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, जिसको कि नेरिसा साइन कराने के लिए शाइलॉक के घर जाती है. तो ये बेसिकली यहाँ पर होता है ट्रायल सीन में. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 5. एक्सप्लेन हाउ द जेसिका लॉरेंजो रोमांस इज लिंक टू द स्टोरी लव स्टोरी ऑफ पोर्शिया एंड बसानियो. तो यहाँ पर कैसे दोनों का, जेसिका एंड लॉरेंजो का लव स्टोरी कैसे लिंक्ड है पोर्शिया एंड बसानियो से. सो जेसिका लॉरेंजो रोमांस इज लिंक टू द लव स्टोरी ऑफ पोर्शिया एंड बसानियो. लॉरेंजो इज बसानियोज फ्रेंड एंड वेल विशर. जेसिका इज शाइलॉक्स डॉटर हु फाइंड्स लाइफ एट हर होम हिल. सो यहाँ पर मतलब कि ये शाइलॉक के घर के बारे में बात हो रहा है. शी इज शाइलॉक्स डॉटर. बसानियोज डिनर पार्टी प्रोवाइड्स जेसिका एंड लॉरेंजो एन अपॉर्चुनिटी टू इलोप. दे इलोप टू बेलमोंट एंड स्टे एट पोर्शियाज मैंशन ड्यूरिंग हर एब्सेंस. आई होप कि तुम्हें समझ आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला देखो एक्सट्रैक्ट. एंटोनियो स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग फॉर हेयर आई रीड फॉर सर्टेन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू. ये भी तुम्हारा लास्ट में होता है, जबकि एंटोनियो का शिप जो रिटर्न आने वाला होता है, पोर्शिया उसको गुड न्यूज़ देती है कि उसका 3 शिप जो है सही सलामत सेफली वापस आ रहा है. तो ये वाला जो है एक्सट्रैक्ट, उसके बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द स्वीट लेडी गिवन एंटोनियो लाइफ एंड लिविंग. सो हाउ हैज़ पोर्शिया हेल्प्ड एंटोनियो. पोर्शिया हैज़ सेव्ड एंटोनियोज लाइफ इन द ट्रायल in which Shylock insisted on having the pound of Antonio's flesh as penalty for forfeiture of the bond by arguing that no drop of blood should shed nor any excess or less of flesh to be cut off but only a pound of flesh. जबकि यहाँ पर basically Portia she plays a trick, और यहाँ पर वो बोलती है कि यहाँ पर pound of flesh ही होना चाहिए. It should neither be more than 1 pound nor be less, or not even a drop of single blood should fall from Antonio's body because that is not mentioned in the contract. Is to be cut. Portia corners Shylock and saved Antonio's life, and later besides she gave him the news of the safe arrival of the three of his ships. तो ships के भी बारे में वो बताती है last में. Next है तुम्हारा 2. What is a special deed of gift? Give its contents. Explain the implication
ऑफ विदाउट अ फी इन द सिक्स लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट. तो यहाँ पर बोला गया है स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट क्या होता है. ये स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट किसके लिए होता है? लोरेंजो एंड जेसिका के लिए. और ये न्यूज़ किसको, मतलब उन लोगों को, लोरेंजो एंड जेसिका को ये न्यूज़ कौन देता है? नेरिसा देती है. नेरिसा देती है कि यहाँ पर जो शाइलॉक है, आफ्टर द डेथ ऑफ शाइलॉक प्रॉपर्टी एंड वेल्थ ऑफ शाइलॉक विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ जेसिका एंड लोरेंजो. सो स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट इज द गिफ्ट डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाई पोर्शिया एंड साइंड बाई शाइलॉक. द डीड ऑफ गिफ्ट मैंशंस दैट शाइलॉक्स प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वुड बी गिफ्टेड टू लोरेंजो एंड जेसिका आफ्टर शाइलॉक्स डेथ. एंड विदाउट अ फी मीन्स फ्रीली विदाउट एनी स्पेशल चार्जेस फॉर द सर्विस. तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा, वही बताया गया है. नेक्स्ट है नंबर 3, ऑन हुज रिक्वेस्ट वॉज द डीड मेड. सो द डीड वॉज डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एंटोनियो. ऑन वट कंडीशन वॉज द डीड मेड? द डीड वॉज डन ऑन द कंडीशन दैट शाइलॉक्स वेल्थ वुड बी गिवन टू लोरेंजो एंड जेसिका आफ्टर हिज डेथ एंड शाइलॉक वुड बिकम अ क्रिश्चियन. तो ये बेसिकली बोला गया है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5. देखो कोई भी एक्सट्रैक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है. तो थोड़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू करना. हाउ डज द रिंग एपिसोड क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ कॉमेडी एज वेल एज जॉय. सो रिंग एपिसोड creates an atmosphere of comedy and joy. The comedy develops in the embarrassment of husband as they try to account for the loss of their wedding rings. The argument and counter arguments among the couples amuse the audience. Finally, the three pair of lovers reunite. Antonio's ship returns safely and the play ends happily with the triumph of loyalty, romance and the defeat of greed and hatred. So, ye basically go through kar lena. Ye tumhara last part hai. एकदम लास्ट पार्ट है, एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाता है तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. और यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट तुम लोग लास्ट बैच हो मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तुम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो. उसके बाद अभी नेक्स्ट यहाँ पर जो लोग नेक्स्ट बैच स्टूडेंट है, जो लोग 2025 में एग्जाम्स देंगे, उन लोगों का जूलियस सीजर होने वाला है. सो यहाँ पर तुम्हारा लास्ट है. तो आई होप कि यहाँ पर तुम्हारा ईजी क्वेश्चन पेपर सेट होगा, बिकॉज तुम लास्ट टाइम पढ़ रहे हो मर्चेंट ऑफ वेनिस, तुम लोग लास्ट बैच हो. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो. यहाँ पर बसानियो एंड ग्रेशियानो के बीच में और एंटोनियो के बीच में, पोर्शिया के बीच में, ये सारा यहाँ पर स्पीचेस है. इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द सीन टेक प्लेस? यहाँ पर देखो, वेयर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट. तो ये बेसिकली बोला गया है कि जबकि पोर्शिया यहाँ पर सच सच बताती है कि यहाँ पर शी वॉज द वन हु वॉज डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर इन द कोर्ट, तो यहाँ पर बसानियो बोलता है कि उसने उसको पहचाना नहीं था. सो ये बेसिकली कब होता है? ये जब वो लोग वापस आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर सबको यहाँ पर रीयूनाइट करते हैं, सब लोग रीयूनाइट करते हैं, सब लोग वापस आ जाते हैं, तब का ये मतलब एक्ट फाइव का है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? सो दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन बेलमोंट. तो ये बेलमोंट का है. यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आंसर भी मैंशन कर रखा है. यहाँ पर तुम्हारा आउटसाइड पोर्शियाज हाउस इन बेलमोंट. तो यहाँ पर बेसिकली आंसर भी प्रोवाइडेड है. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड पोर्शिया डायरेक्टेड एंटोनियो टू गिव टू बसानियो जस्ट मोमेंट्स बिफोर द अबव वर्ड्स वेर स्पोकन. सो हियर, यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर होता है रिंग के बारे में बात होता है. द रिंग दैट पोर्शिया हैड गिवन टू बसानियो एट देयर वेडिंग, द रिंग बसानियो हैड गिवन टू यंग डॉक्टर ऑफ लॉ, जो कि वही रहती है डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर फॉर सेविंग एंटोनियोज लाइफ. उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. सो व्हाट हैड पोर्शिया डायरेक्टेड एंटोनियो टू गिफ्ट टू बसानियो. सो ये यहाँ पर रिंग के बारे में बात हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्शिया हैड जस्ट गिवन एंटोनियो बसानियो एंड ग्रेशियानो अ लेटर टू रीड. तो वो एक लेटर देती है. हु हैड रिटर्न दिस लेटर? तो ये लेटर किसने लिखा होता है? बेलारियो ने. लेटर वॉज रिटन बाय बेलारियो हु इज पोर्शियाज कजिन. सो बेलारियो ने लिखा होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बसानियो लर्न अबाउट पोर्शिया फ्रॉम दिस लेटर? तो उसको यहाँ पर सच पता चलता है कि यहाँ पर बेसिकली जो कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो यहाँ पर लॉयर था वो एक्चुअल में कौन थी? शी वॉज डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, शी वॉज द वन. तो यहाँ पर तुम रीड भी कर सकते हो दैट पोर्शिया हैड बीन हैड दैट पोर्शिया हैड बीन लर्नड डॉक्टर लॉ एट एंटोनियोस ट्रायल. यहाँ पर देखो, तुम इसका स्नैपशॉट ले सकते हो. यहाँ पर सारा आंसर्स है और तुम क्वेश्चन देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट गुड न्यूज डज पोर्शिया हैव फॉर एंटोनियो एंड व्हाट हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू इट. तो ये बेसिकली तुम लोगों को पता है, शिप के बारे में बात हो रहा है कि थ्री ऑफ एंटोनियो शिप्स आर रिटर्निंग सेफली. हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू इट? डेफिनेटली ही इज वेरी हैप्पी, ही इज स्पीचलेस एंड ही थैंक्स पोर्शिया. तो ये बेसिकली
होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, टू वोम डज पोर्शिया रेफर टू रेफर एज माई क्लर्क। क्लर्क कौन रहता है? नेरिसा रहती है। शी इज डिस्गाइज्ड एज पोर्शियाज, दैट मींस लॉयर्स क्लर्क। एंड व्हाट गुड कंफर्ट्स डज द क्लर्क हैव फॉर लोरेंजो? तो यहाँ पर क्लर्क मींस नेरिसा, नेरिसा लोरेंजो को और जेसिका को क्या गुड न्यूज देती है कि उन लोगों का जो शाइलोक का वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ लोरेंजो एंड जेसिका आफ्टर द डेथ ऑफ शाइलोक। सो ये बेसिकली होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज बसानियो परसुएडेड टू गिव अवे द रिंग दैट पोर्शिया हैड गिवन हिम एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज? व्हाट डज दिस रिवील ऑफ बसानियोज रिलेशनशिप विद एंटोनियो? तो वो रिंग जो है, रिंग के बारे में पूछा गया कि हाउ वॉज बसानियो परसुएडेड टू गिव अवे द रिंग दैट पोर्शिया हैड गिवन हिम? इससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली अपने फ्रेंड एंटोनियो से बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यार करता है। तो यहाँ पर बेसिकली बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में पता चलता है। दिस रिवील्स रिगार्डिंग द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, ये बेसिकली होता है। फिर देखो ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है, ये तुम्हारा टू बेट फिश विद ऑल, दिस इज अ फेमस स्पीच बाय शाइलोक। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, काफी बार बोर्ड्स में आ चुका है। तो एक बार इंपॉर्टेंट है कि ये टू बेट फिश विद ऑल वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, तो गो थ्रू कर लेना। तो देखो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन तुम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पर आंसर्स भी है, देखो तुम आंसर्स भी गो थ्रू कर सकते हो। आंसर्स यहाँ पर है, तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन जस्ट रीड इट आउट, तुम एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगूँ। तो ये तुम गो थ्रू कर लेना, तुम्हारा एग्जाम है तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार गो थ्रू कर लो, या फिर तुम वीडियो पॉज कर रीड कर सकते हो। सारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइडेड है। एंड लास्टली ये वाला क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया काफ़ी बार बोर्ड्स में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आ सकता है, इफ़ नॉट इन द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में तुम्हें यहाँ पर मिल सकता है। तो इसीलिए एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो गो थ्रू कर लेना। ये जो तुम्हारा टू बेट फिश विद ऑल वाला क्वेश्चन है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू करना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन देख लो, ये सीन किधर हो रहा है, वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, वाई इज पोर्शिया हेयर, वाई डज बसानियो नॉट रिकोगनाइज हर, वॉट इज मर्सी कंपेयर्ड टू इन दिस लाइन? सो शी कंपेयर्स मर्सी विथ रेन और काफ़ी चीज़ से यहाँ पर, ट्वाइस ब्लेस्ड। तो ये पूरा जो है अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग कर समझ लेना, और बाकी तुम यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आंसर्स भी है, तो आंसर्स गो थ्रू कर लेना एक बार। इधर भी है नंबर 5 का आंसर, इधर राइट हैंड साइड में, एक बार गो थ्रू कर लेना। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक्ट 5 से, एक्ट 5 का एक्सट्रैक्ट और बाकी तुम्हारा क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच, टू बेस्ट फिश विद ऑल ये वाला स्पीच अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, रिंग एपिसोड, पावर ऑफ म्यूजिक। देखो एक चीज़ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मिसिंग था, पावर ऑफ म्यूजिक, जो कि लोरेंजो यहाँ पर एक्ट 5 में देता है। दिस स्पीच इज इम्पॉर्टेंट, लोरेंजो ने यहाँ पर एक स्पीच दिया था पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में, कि जो म्यूज़िक होता है, जिसके पास इमोशंस नहीं है, वो बेसिकली बोलता है कि यहाँ पर म्यूज़िक को अलग अलग चीज़ से कंपेयर करता है, और वो ये बोलता है कि जो इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है वही इंसान होगा जिसको म्यूज़िक पसंद नहीं होगा। और म्यूज़िक से हम लोग कुछ भी चीज़ को यहाँ पर कुछ भी हील कर सकता है, म्यूज़िक यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही पीसफुल होता है। तो म्यूज़िक को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से यहाँ पर कंपेयर करता है। सो पावर ऑफ म्यूज़िक स्पीच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्पीच इज़ देयर इन योर पेज 139 अकॉर्डिंग टू माई बुक। एक बार तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख लेना एक बार 139 खोलकर, अगर यहां पर तुम्हारा म्यूजिक स्पीच, पावर ऑफ म्यूजिक स्पीच बाय लोरेंजो मिल जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो तुम ढूंढ कर पढ़ सकते हो, यहां से एक्सट्रैक्ट आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितना भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स था हमने यहाँ पर कवर किया, अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, टाइम मैनेजमेंट करना एग्जाम्स के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।